فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلوات. جتنی مختصر سی یہ آیت ہے اتنی ہی مختصر سا بیان ہے. ہمیں آپ کی زحمت کا خیال ہے، آپ مسلسل مجلسوں میں مجلسیں سن رہے ہیں، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ سائے کریمہ کے ذیل میں چند معروضات اور آپ کی زحمت کو ختم کر دینا ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من یعتصم باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ اعتصام کیا، فقط خدیع الی صراط مستقیم، تو سمجھ لو کہ صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت ہو گئی. من یعتصم باللہ، اعتصام باللہ جس کو مل گیا، سمجھ لو کہ صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت ہو گئی. خدیا، فقد خدیا الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت ہو گئی. اب یہ یعتصم باللہ کے معنی کیا ہیں، اعتصام باللہ کے معنی کیا ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے جیسے احتشام بنا ہے حشمت سے، جیسے انتظام بنا ہے نظامت سے، اسی طرح سے اعتصام بنا ہے عصمت سے. اس کے معنی ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک معصوم وسیلہ دریافت کر لیا، بس سمجھ لو کہ اس کی ہدایت ہو. اب یہ لفظ عصمت جو ہے، یہ ذرا سا ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس پر آسانی سے دنیا کی اکثریت کا اعتبار نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے اب گھروں سے نکل کر اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں معرض بحث میں آ گیا ہے. چنانچہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو یا انسانوں کی جماعت ہو اور اس سے کوئی خطا نہ ہو. اگر بشر ہے کوئی تو بشر کا خاص ہی خطا ہے. یہ بات ذہنوں میں اتنی راسخ کر دی گئی کہ محاورے میں یہ بات آ گئی، انگریزی میں محاورے میں،
कि टू अर इज ह्यूमन, टू अर के माने खता करना ही खासे इंसान है, खासे बशरियत। अब जाहिर है कि हमारा पूरी दुनिया के मजाहिब पर जो इम्तियाज है, ये जो फौकियत है, वो और किसी वजह से नहीं है, वो फकत इसलिए है कि हमने अपने दीन और मजहब में जिनको बुनियाद बनाया है, जिनका दामन पकड़ा है, उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका साहिब इस्मत होना है। हमारे मान लेने से कोई मासूम नहीं हो जाता, इस्मत की भी कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। अगर हम मुतमईन हो जाएं किसी दलील से और ये बात हमारी अक्ल, हमारा जमीर, हमारा शऊर कबूल कर ले कि हाँ ऐसा ऐन मुमकिन है कि एक इंसान बशर भी हो और मासूम भी हो, तो जाहिर है उसका दामन पकड़ने में फिर कोई तरद्दुद, कोई तजब्दुद नहीं रह जाता। लिहाजा हम इस्मत की तारीफ तो उतने वाज़े तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए कि ये खता जो है ये हमारे मुशाहिदे में और हमारे तजर्बे में इतनी ज्यादा है कि आज तक कोई इंसान, कम से कम जिस सदी में हम पैदा हुए, कोई इंसान हमें मासूम नहीं मिला। बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मुत्तकी हो, बड़े से बड़ा जाहिद हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा भी हो जिससे कोई एक खता सरजद न हुई, एक गलती भी न हुई हो, कोई एक चूक न हुई हो, कहीं पे कोई भूल नहीं हो। तब जाहिर है कि इस्मत की बराह रास्त तो तारीफ यही है कि इस्मत उस सिफत का नाम है जिस सिफत से मुत्तसिफ हो जाने के बाद फिर कोई फर्द बशर जो है खता करना तो बहुत बात है, खता की तरफ माइल भी नहीं। तो अब ये सवाल उठा के ये बताओ कि अगर इंसान से खता होती है तो उस खता की थ्योरी क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ एरर कहते हैं। पहले खता के उसूल पर या उसकी थ्योरी के ऊपर गौर कर लिया जाए तो इस्मत की तारीफ खुद बहुत खुल के सामने आ जाएगी। तो हमने जब बहुत गौर किया और दुनिया के बहुत से दानिशमंदों ने गौर किया, फलसफियों ने गौर किया, स्कॉलर्स ने गौर किया, साइंसदानों ने गौर किया, नफ्सियात के माहिरीन ने गौर किया, तो उन्होंने कहा कि इंसान से खता होती है या इल्म की कमी से, कोई बात हो गई, कोई भूल, कोई चूक, कोई खता ला इल्मी के नतीजे में। तो एक तो खता का सबसे बड़ा सबब यह है कि इल्म की कमी हो किसी में, वो जानता ही ना हो कि खता क्या है और सवाब क्या है। लिहाजा एक सबब बहुत बड़ा जो है वो इल्म की कमी। लेकिन मान ले कि किसी इंसान के इल्म में एक बात आ गई है कि ये खैर है, ये सच है, ये हक है, ये जायज है, उसके बावजूद भी वही काम करे, तो अब इल्म की कमी नहीं है उसके पास, बल्कि ये खता जो हो रही है उसका सबब कोई और है, इसलिए कि इसके इल्म में है कि सच बोलना हक है, सही है, जायज है, उसके बाद भी झूठ बोल रहा है। तो अब ये जो झूठ बोल रहा है बावजूद इल्म के, इसका सबब क्या है? इसका सबब है नफ्स की खबासत। इल्म के बाद भी जो खता होती है वो नफ्स की खबासत से हो जाती है, और अगर नफ्स भी खबीस नहीं है
तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जान के और नफ्स का अच्छा इंसान होने के बावजूद भी खता कर जाता है। इस खता का सबब बाहर का दबाव होता है, सोसाइटी का दबाव, खानदान का दबाव, दोस्तों का दबाव, अज़ा अक़ारिब का दबाव, कल्चर का दबाव। तो इसके माने ये हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान हो कि जिसके इल्म में जर्रा बराबर कमी ना हो, फर्ज कर लीजिए कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास इल्म का इतना बड़ा सोर्स है कि वहां इल्म की कमी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। उसके अलावा उसके नफ्स की तहारत का आलम यह है कि उसके नफ्स को ताहिर करने वाले ने उसकी तहारत का ऐलान नहीं किया है बल्कि हक के तहारत का ऐलान कर दिया उसको। और उसके अलावा वो इंसान इतनी बड़ी मकदार में शजाअत का मालिक हो, इतनी बड़ी दिलेरी, जुरत और हिम्मत और शजाअत का मालिक हो कि न बाहर का दबाव उससे कोई गलत काम करवा सकता है, न खानदान का दबाव, न इज्जा का दबाव, न अकारिब का दबाव, न कल्चर का दबाव, न माशरे का दबाव। अगर एक ऐसा इंसान मिल जाए कि जिस इंसान के इल्म में कमी साबित न की जा सके, जिसके तहारत नफ्स में जर्रा बराबर किसी किस्म का साए खबासत भी साबित न किया जा सके और जिसकी शजात और दिलेरी और जुरत की इतनी मिसालें हों कि उससे बड़ा कोई शजा, उससे कोई बड़ा बहादुर भी दुनिया में उसकी कोई नजीर न मिलती हो, तो जाहिर है कि अगर ऐसा कोई इंसान मिल जाता है तो उसको मासूम कहना, बेखता कहना, ये किसी अकीदत की बुनियाद पे नहीं होगा बल्कि एक दलील की बुनियाद के ऊपर होगा। अब आपका फरीजा है कि उसके इल्म में कोई कमी निकालिए, उसने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मुझसे जमीन तो जमीन, आसमान तो आसमान, कायनात के किसी गोशे, इल्म के किसी शोबे पर कोई सवाल किसी वक्त किसी कौम का आदमी, किसी उम्र का आदमी, किसी सिंफ का आदमी मुझसे करे और मैं जवाब न दे पाऊं, तो समझ लेना कि हमारे इल्म में कमी है। लेकिन उस इंसान की सीरत को बहुत नजदीक से पढ़ने वाले बड़े बड़े नक्काद ने कहा कि अगर दुनिया में फकत दो बात साबित कर दी जाए तो हम अली को अपना कायद और इमाम मानना उसी दिन से छोड़ दें। पूरी दुनिया मिल के यह साबित कर दे कि अली से कोई सवाल किया गया हो और अली ने कहा हो कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, कभी भी कोई सवाल किया गया हो और अली का जरा सा मुझे वक्त चाहिए, मैं अपने उस्ताद से कंसल्ट कर लूं, मैं किताब देख लूं, दूसरे दिन बताऊंगा, एक हफ्ते बाद बताऊं, कभी। और या यह साबित किया जा सके कि अली ने इल्म हासिल करने के लिए सिवाय शहर इल्म को के अलावा किसी और को उस्ताद बनाया, उसका कोई उस्ताद हो, एक सलवात भेज दें हम। क्या लोगों ने कोशिश नहीं की, कैसे कैसे सवालात तराशे गए, यहूदी मिलके बैठे, उन्होंने अपनी जहानत को खंगाला, उसमें बहुत बहुत सवाल, उसकी पूरी दास्तान है। होते होते कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि ऐसे नाजुक वक्त में अली से एक ऐसा सवाल कर लो कि अली उसका जवाब ना दे सके, हमसे वक्त मांग लें। तो लोगों ने सर जोड़ के, अली की सीरत में यह बात थी कि जैसे ही अव्वले वक्त नमाज आता था, फजीलत का वक्त होता था, अली फौरन मसल्ले पे चले जाते थे। अब जाहिर है कि वजू करके और मसल्ले
तक जाने में कितना वक्त होता है। उसी दरमियान कोई ऐसा सवाल कर लिया जाए, चलिए उसका जवाब में इतना वक्त ले लें कि वक्त खत्म हो जाए, जवाब ना हो सके। अब वो इस इंतजार में थे, अली वजू पे बैठ गए, वजू करने लगे। वजू में कितना वक्त लगता है। जैसे ही वजू खत्म हुआ, अली उठे, वैसे ही एक सवाल उनके सामने रख दिया गया, या अली ये बता दीजिए इस दुनिया में कितने जानवर हैं कि जो अंडा देते हैं और कितने जानवर हैं कि जो बच्चे देते हैं। अब जाहिर है उसकी फेहरिस्त कोई गिनवाने लगे, अली इब्न अबी तालिब उठे, अभी मुसल्ले तक नहीं पहुंचे, कहा कि देखो जिन जानवरों के कान नुमाया हों समझ लो कि वो बच्चे देते हैं, जिनके कान छिपे हुए होते हैं वो अंडे देते हैं। उसको एक सलवात भेज दे मोहम्मद आलम। अब जाहिर है कि हमने कुछ ऐसी हस्तियों को पाया कि न माँ बाप के दबाव से हमने उनको माना, न खानदान के दबाव से माना, न मोहल्ले के दबाव से माना, न रवायात के दबाव से माना। हमने माना तो उनकी इसी दलील इस्मत की बुनियाद पर माना कि हम तो हम माजी में भी उलमा थक गए मगर इल्म में कोई कमी नहीं निकाल सके, माजी में भी लोग थक गए मगर नफ्स में कोई खबासत नहीं निकाल सके, माजी से लेके आज तक लोग थक गए मगर शजात में एक शिकर नहीं निकाल सके। एक सलवात भेज दे मोहम्मद अली। अब बस यहीं से कि ये जो इस्मत का दामन हमें थामना है, इसका सबब क्या है, क्यों हम मासूम तलाश करते हैं, क्यों हमें सिरात मुस्तकीम चाहिए। इसलिए कि तन्हा वो रास्ता कि जो सीधे जन्नत से ले जाके हमें मिला सकता है, वो या सिरात मुस्तकीम है, और सिरात मुस्तकीम सिफत इस्मत से मुत्तसिफ। इस सिरात की रहबरी, इस सिरात की रहनुमाई, इस सिरात की कयादत, इस सिरात की इमामत गैर मासूम नहीं कर सकता। तो इसी इस्मत के सिलसिले में बहुत सी मजलिसें आपने सुनी हैं और सुनेंगे और कहीं ज्यादा बेहतर सुनेंगे। इतनी ऊंची मजलिस के बाद हमको बिठा दिया, अब जाहिर है हम ही जानते हैं। लेकिन एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, जहां बहुत से अलकाब हैं मासूम आलम के, मुहद्दसा उनको कहा गया, राजिया उनको कहा गया, मर्जिया उनको कहा गया, मासूमा उनको कहा गया, बहुत से खिताब हैं। वहीं एक खिताब है या एक लकब है उनका, खातून जन्नत। तो अगर किसी को जन्नत में जाना है, इसलिए कि जन्नत एक ऐसी चीज है कि जो मजहबी मौजू नहीं है, तवज्जो करें, इसमें यह एक इंसानी जरूरत का नाम है जो हर इंसान ने इसकी आरजू पाई जाती है। और हमारे आपको याद होगा जिस जमाने में साइंस की तहकीकात का सैलाब आया और बाइबल की बहुत सी आयतें हैं उस सैलाब में बहने लगी और चर्च का एतबार मजहब से उठने लगा और साइंस पर होने लगा, ये आगा चुका है। आप तारीख में पढ़ेंगे तो बहुत अहम दौर है कि जब साइंस के सैलाब में बहुत सी आयतें बाइबल की बह गईं। बाइबल कुछ कह रही थी, साइंस की दरियाफ्त कुछ थी, तो चर्च का एतबार मजहब से उठ गया था और साइंस के ऊपर एतबार पैदा होने लगा था। अब उसी जमाने में जो लोग साइंस की तरफ बढ़ गए, उसमें बड़े बड़े
स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे, साइंसदान थे, उन्होंने पूरी दुनिया को खिताब करके कहा, ए दुनिया वालों, मजहबी खैमे से जिस जन्नत की बशारत दी जा रही है, मजहबी खैमे से जिस जन्नत की बशारत दी जा रही है, वो जन्नत पता नहीं है कि नहीं है। तो उस अफसानवी और एक मौहूम जन्नत में अपने नकद दुनिया को कुर्बान कर देना कोई अकलमंदी नहीं है। अकलमंदी यह है कि तुम्हारे पास इल्म की कुव्वत, टेक्नोलॉजी की कुव्वत, साइंस की कुव्वत, जितनी कुव्वतें हैं उन सब को बरूए कार लाके, उन सब को यकजा करके इसी जमीन को जन्नत बना दो। तो ये लफ्ज जन्नत उनकी जबान के ऊपर भी आ गया। तो मालूम है कि जन्नत सबकी जरूरत है, इसका फकत मजहब से ताल्लुक नहीं है। हर इंसान जन्नत चाहता है। जन्नत के माने जिंदगी का वो आला तरीन मेयार जिसमें कहीं से कोई नक्स और कमी न हो, उसी का नाम जन्नत होता है। तब जाहिर है कि अब यहीं से बस थोड़ी सी जहमत। अब एक सूरे में जो 70वीं सूरे है, 70th वर्स पर चैप्टर है कुरान का, उस सूरे में परवरदिगार आलम ने एक अजीब इशू को उठाया, एक अजीब मौजू उठाया और ये कहा कि अयतमो कुल्लुम रहीम मिनहुम अन युदखला जन्नत नईम। क्या दुनिया का हर आदमी, दुनिया का हर इंसान ये तमा रखता है, ये लालच रखता है, अन युदखला जन्नत नईम, कि उसे नेमतों से छलकने वाली जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मालूम है कि हर इंसान की आरजू है जन्नत, और मैं आप भी किसी न किसी हद तक इस दुनिया में भी घर ऐसा बनाते हैं, लिबास ऐसा पहनते हैं, दस्तरखान ऐसा बिछाते हैं कि जो एक मेयार रखता हो जिंदगी। तो चूंकि जन्नत असल में आला तरीन मेयार जिंदगी है, इसलिए हर इंसान जो भी मेयार जिंदगी को बुलंद कर रहा है उसके दिल में जन्नत का एक तस्वुर है, चाहे वो पहुंच सके या ना पहुंच सके। तो कुरान मजीद ने कहा तमा तो सब कर रहे हैं कि उनको जन्नत में दाखिल कर दिया, लालच तो हर इंसान के दिल में है कि उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, मगर क्या ये मुमकिन है? कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। एक अजीब बात कहेगी, हो ही नहीं सकता। कल्ला जो है वो जब किसी बात की बड़ी शिद्दत से नफी करनी होती है तो कुरान में ये लफ्ज आता है कल्ला, ऐसा हो ही नहीं सकता, हरगिज नहीं हो सकता। पालने वाले क्यों नहीं हो सकता? अब उसका जवाब दिया कि मिम्मा खलकनाहुम यालमून। हर इंसान जो जन्नत की लालच रखता है, तमा रखता है, वो अच्छी तरह से यह भी जानता है कि उसे किस चीज से खल्क किया गया। तवज्जो सोचो, किस चीज से उसे खल्क किया गया, उसके लिए बड़े इल्म की जरूरत नहीं। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं कि उसकी खिलकत की बुनियाद एक कतरे नजिस पर है, और जन्नत एक ऐसी जगह है कि जो किसी रिच को, किसी नजासत को जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि वो एक कतरे नजिस से पैदा किया गया, और जन्नत एक ऐसी जगह है कि जर्रा बरातर के औला को तो बर्दाश्त नहीं कर सकती जन्नत। तो इंसानों को, खाती इंसानों को इसमें दाखिल कर दिया जाए, गौर फरमा रहे हैं इसमें। अब ये सूरे पढ़ के और ये आयत पढ़ के
हमने उसकी तस्दीक की कि हाँ हमें मालूम है कि हम किस चीज से खल्क किए गए हैं, एक कतरे नजिस से पैदा किए। मगर पालने वाले, क्या हमने तुझसे कहा था कि बस इसी से खल्क करो? हमने कोई अर्जी दी थी? हमारा कोई वफद गया था तेरे पास कि बस हमें इसी कतरे नजिस से पैदा करना? तेरी मर्जी थी, तूने पैदा कर दिया और उसके बाद सजा हमको दे रहा है? ये कहां का आदल है कि अपनी मर्जी से कतरे नजिस से हमें खल्क करने के बाद इसी को बुनियाद बना दे महरूमी जन्नत की? तो ये तो कोई अदालत नहीं हुई। हमने कहा होता तो हम जिम्मेदार थे, लेकिन जब तूने अजब नहीं उधर से आवाज आए कि इसमें क्या, हमें कोई तरद्दुद नहीं, कोई इनकार नहीं, तुम्हारी मर्जी से नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारी दरख्वास्त में नहीं, हमने अपने फैसले से तुम्हें कतरे नजिस से पैदा किया और हमने बब्बांगे दोहल ऐलान किया उसी सूरे में जिस सूरे का नाम इंसान रखा, जिसको सूरे दहर भी कहते हैं। हमने बहुत वाज अल्फाज में खुद ऐलान किया, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, हम ही ने इंसान को नुतफे से पैदा किया। तो हमें इसमें इनकार नहीं है, हमने ये काम हमारा है। तो पालने वाले, फिर हमारी खता क्या है? हमें क्यों जन्नत में दाखिल नहीं किया जा रहा? तो हो सकता है उधर से आवाज, तुम्हारी खता यह है, तुम्हारी गलती यह है, तुम्हारी कोताही यह है कि तुमने ये नहीं देखा कि इस दुनिया में कोई ऐसी नजासत भी है जिस नजासत का कोई मुतहिर भी हमने ना पैदा किया हो। अगर नजासत हमने पैदा की है तो मुतहिर भी पैदा किया है। अगर तुम्हारे तलवे में नजासत लग जाए, 40 कदम इसी जमीन के ऊपर चलो, पाक हो जाएगा। अगर बदन में नजासत है तो पानी को मुतहिर बनाया, कपड़े में नजासत है तो पानी को मुतहिर बनाया, अगर दीवार नजिस हो गई है तो बारिश को मुतहिर बनाया, धूप को मुतहिर बनाया, अगर दीवार अगर दरख्त नजिस हो गया तो बारिश को, हमने कोई नजासत ऐसी नहीं पैदा की जिसका मुतहिर भी न पैदा किया हो। अगर कुफर की नजासत लग गई है तो इस्लाम को मुतहिर बना दिया, अगर निफाक की नजासत लग गई हो तो ईमान को मुतहिर बना दिया। तुम्हारी गलती, तुम्हारी कोताही यह है कि तुम उस नजासत के मुतहिर की तलाश नहीं कर रहे हो। अगर खिलकत में हमने ये कतरे नजिस रखा है तो हमारी सीरत गवाह है कि किसी नजासत को हमने बगैर मुतहिर के नहीं पैदा किया। अब अगर तुम तलाश करोगे तो तुम्हें वो आस्ताना मिल जाएगा, जिस आस्ताने की मारिफत पैदा कर लो, उसकी मोहब्बत दिल में उतार लो, तो ये मुअद्दत और मोहब्बत खुद इस बात की जामिन हो जाएगी कि वो कतरे नजिस जिस पर तुम्हारी खिलकत की इमारत खड़ी है उसकी बुनियाद में तहारत जो है वो नाफिज कर देगा परवरदिगार आलम, उसमें नफू। अगर तुम तलाश करना चाहो तो हमने बहुत जिली हुरूफ से उस आस्ताने पर लिख दिया है, अगर नस्ल की तहारत चाहते हो, विलादत की तहारत चाहते हो, खिलकत की तहारत चाहते हो, तो हमने जिली हुरूफ से लिख दिया है, अपनी किताब में भी लिख दिया है, उस आस्ताने की सुर्खी भी यही है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद अली। इसलिए कि आप तो जानते हैं, आदम को एक हफ्ते के लिए उनकी विल पावर को, उनके आजम को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने जन्नत में रख दिया और उसके बाद सारी छूट दे दी थी, यहां का पानी पियो, यहां की सरसब जो पेड़ हैं उनके साये में आराम करो, जो जी चाहे खाओ, जो जी चाहे पियो, बस एक बात का ख्याल रखना, एक बात का ख्याल रखना
कि ला तकरब हाजही शजरा, देखो इस शजरे के करीब न जाना। अब इतनी ज्यादा महजब पर्दे के अलावा इससे ज्यादा महजब तरीका हो भी नहीं सकता था। और हमारे आप अगर पहुंच सके हम भी पर्दे ही में बात करेंगे। देखो ये अमल तुम्हारा नाजायज नहीं है, हमने हव्वा को तुम्हारी जौजियत में दिया, तुमको शौहर बनाया, उनको जौजा बनाया। अब इंसानी जिबिल्लत में ये मर्द और औरत का करीब हो जाना, और हम इसी में तुम्हारी विल को आजम को आजमाएंगे कि कितना तुम साहिब आजम हो। ज्यादा दिन की बात नहीं, एक हफ्ते में तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी आजमाइश हो जाएगी। अब एक एजेंसी आई गुमराह करने वाली, इसलिए कि वो जन्नत नहीं थी जो इस्तेहकाक से मिलती है। वो गोया आदम के लिए एक आजमाइशी जगह थी जिसको अल्लाह ने जन्नत की तरह से आरास्ता कर दिया था। अब वो जब एजेंसी आई तो आप जानते हैं कि बहुत सीनियर था वो, तजर्बाकार था वो, लिहाजा उसने अपने पूरे तजर्बे को, अपने पूरे मुशाहदे को आदम से इंतकाम लेने के लिए सब एकजा किया। अब वो सब पुराने मजीद में पढ़ लेंगे, अल्लाह ने इसलिए तुम्हें रोक दिया है करीब जाने से, शजरे के करीब जाने से, कि अगर तुम करीब चले जाओगे तो मलक हो जाओगे। ये जो एक हफ्ते के लिए तुम्हें दिया गया ये दायमी जन्नत हो जाएगी, इसमें ये फायदे हैं, ये फायदे, हम तुम्हारे नासेह बन के आए हैं, और अगर हम पर एतबार नहीं होता तो हम कसम खा के अपने एतबार को तुम्हारे दिल में पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इन तमाम बातों से उसके फरेब में आए जनाब यार, और जब फरेब में आ गए तो एक औला तर्क हो गया। औला क्या था कि उसने नसीहत की थी कि देखो इसलिए रोका है कि तुम मलक न बन जाओ, ये दायमी न हो जाए, और मैं कसम खा के कह रहा हूं मैं तुम्हारे नासहीन में से हूं। तो जब उसने ये समझा दिया था तो इतना औला जो आदम से तर्क हुआ कि ये मुकदमा अल्लाह को रिफर कर देते कि पालने वाले ये कह रहा है, अब बता के तेरी मर्जी क्या है भाई। यही औला तर्क जो हुआ, और बगैर रजाए माबूद लिए हुए एक दूसरे से जैसे ही करीब आए वैसे ही जिस्म का लिबास उतर गया, उसका भी मंजर सतरपोशी के लिए परेशान हो गए जनाब आदम, और बड़े बड़े पत्ते जो वहां थे उससे छिपाने लगे, लिबास उतर गया। बहुत सख्त रद्द अमल हुआ अल्लाह की तरफ से, और फिर उसके बाद कहा कि तुम तीनों उतर जाओ, इस जन्नत से उतर जाओ, एहबतु तुम्हारा हुबूत होने वाला है, हमने तुम्हारे अजम को देख लिया। पुराने मजीद लम नजिद लहू अजमा, हमने आदम को वैसा साहेब आजम नहीं पाया जैसा हम चाहते थे। अब वो जब जमीन पर उतर रहे हैं तो जिस आलम में उतरे होंगे तन के ऊपर लिबास नहीं है, आप जरा तसव्वुर करें। मेरा दिल चाहता है कि खुदा को उसके करम का वास्ता देके ये सवाल पूछ लें, पालने वाले क्या तेरे करम में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि एक जोड़ा कपड़ा पहना के आदम को जमीन के ऊपर उतारता? क्या जरूरी था कि कपड़ा उतरवा लेता? तो अजब नहीं खुदा कहे कि हां ये मेरे करम की बात नहीं है, ये मेरे उसूल की बात है। हम दुनिया को इस उसूल की सख्ती का एहसास कराना चाह रहे हैं ताकि दुनिया अच्छी तरह से इस बात को नोट कर ले कि इस पाको पाकीजा जन्नत का लिबास
कभी जमीन पे नहीं जा सकता, कभी जमीन पे नहीं जा सकता। तो पालने वाले अगर ये कुल्लिया है, ये तेरा उसूल है, तो फिर अब कभी जन्नत का लिबास जमीन पर न जाने पाए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया कि यही का लिबास जन्नत की तरफ चला गया। मैंने कहा पालने वाले खुद उसूल बना के तोड़ दिया ना तूने। कहने मैंने उसूल नहीं तोड़ा, मैंने फकत इन दोनों बातों से दुनिया के सामने रखा कि जन्नत और आदम में फर्क है, आदम और हैं, जन्नत और है। लेकिन ये कपड़ा जहां जा रहा है वो जहां रहे वही जन्नत है, उसूल नहीं बदला है हमने। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अभी आपने आखिरी कलाम में बस इतना कह के आपकी जहमत को खत्म करें, अभी आपने पूरी एक तकरीर सुनी अहले बैत पर, उनका शरफ, उनकी अजमत, उनका अर्श के ऊपर चर्चा, उस अहले बैत की एक एक फर्द के फजाइल, दुनिया मोहम्मद की बुलंदियों तक अपने ख्यालात के तायर भी नहीं छोड़ सकती। जिसको परवरदिगार आलम ने मोहम्मद बनाया, जिसको अल्लाह ने अली बनाया, जिसको अल्लाह ने हसनैन बनाया, यानी ये वो हस्तियां जिनको बराए नाम भी अपनी जात से अलग नहीं होने दिया। इसलिए कि जब ये आलम वजूद में आ गए तो इनका नाम किस पर रखा जाए। अभी ना अर्ज है, ना समा है, ना फिजा है, ना हवा है, ना जार है, ना हजार है, कुछ नहीं है। इनका नाम कैसे रखें? परवरदिगार आलम ने कहा बराए नाम भी इनको हम अपनी जात से अलग न होने देंगे। देखो अगर हम महमूद हैं तो इसी से मुश्तक करके उसे मोहम्मद बनाएंगे, अगर हम आला हैं तो इसी से मुश्तक करके उसे अली बनाएंगे, अगर हम फातिर हैं तो फातिमा बनाएंगे, अगर हम मोहसिन हैं तो हसन बनाएंगे, अगर हम कदीम उल एहसान है तो हुसैन बनाएंगे। अब समझो इनका तकर्रुब अल्लाह से क्या है। मैं अगर एक एक हस्ती के ऊपर अपनी कम इल्मी के बावजूद भी आपको उन अजमतों से करीब लाना चाहें जिनमें एक अजमत का नाम मोहम्मद है तो उसमें वक्त लग जाएगा। बस मैं इतना कह के बात को खत्म करना चाह रहा हूं कि इतना पूरी कायनात जिस खालिक की हमद कर रही हो, अगर वही खालिक किसी बंदे की हमद करने लगे तो उसकी अजमतों की इंतहा नहीं। और फिर जिसका नाम मोहम्मद रखा हो उसी के हाथों पे किसी को बुलंद करवा दे तो उससे बुलंद कोई हस्ती नहीं। सारी दुनिया पर उसका एहसान है, सारी कायनात का वो मोहसिन है। अगर वो किसी को हसन कह दे, अगर वो किसी को कदीमुल एहसान कह दे, ये बड़ी बड़ी हस्तियां, मगर मोहम्मद जैसी हस्ती भी मरकज पर आने की सलाहियत नहीं रखती, वो भी दायरे पर रुक गई। अली जैसी हस्ती भी मरकज पर आने की सलाहियत नहीं रखती, वो भी दायरे के ऊपर रुक गई। हसन जैसी हस्ती भी दायरे पर रुक गई, हुसैन जैसी हस्ती भी दायरे पर रुक गई। जिस मरकज पर परकार कुदरत ने रख के ये दायरे तहारत खेचा, ये दायरे इस्मत खेचा, ये दायरे सदाकत खेचा, उस दायरे के मरकज पर न मोहम्मद आ सके, न अली आ सके, न हसन आ सके, न हुसैन आ सके। अभी आप सुन चुके हैं जब दायरे पर उन हस्तियों का तारुफ करवाना हुआ तो मरकज तारुफ जिनका अर्श के ऊपर अल्लाह था, और माने जब फरिश्तों ने पूछा था पहली बार कि ये हस्तियां कौन है जो नूरानी हैं, हमसे पहले भी किसी को खल्क किया है, तो उस वक्त मरकज तारुफ था खुद अल्लाह। और माने अपने को मरकज पर रखा, आज उस मरकज से अपने को हटा के फातिमा जहरा को रख दिया, अब तो समझ में आई। और उसके बाद जब फरिश्तों से तारुफ कराया तो ये कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो मोहम्मद कौन है तो ये सोचो ये इसी फातिमा का बाप है, अली कौन है इसी फातिमा का शौहर है, हसन कौन है इसी फातिमा का बेटा है, हुसैन कौन है इसी फातिमा के बेटे। इसके माने ये हैं
कि फातिमा के लिए मकाम फख्र नहीं है कि मोहम्मद उसका बाप है, मोहम्मद के लिए फख्र है कि फातिमा उसकी बेटी। फातिमा के लिए मकाम फख्र नहीं है कि अली उनके शौहर हैं, अली के लिए मकाम फख्र है कि फातिमा उनकी जौजा है। इसीलिए फातिमा के लिए फख्र नहीं है कि हसनैन उनके बेटे हैं, हसनैन के लिए फर्क है कि फातिमा उनकी माँ है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। दिन में 10 बार जिस वाजिब आयत को हम अपनी जबान पे जारी करते हैं, इतनी वाजिब कि अगर ये हटा दिया जाए तो नमाज बातिल, और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, मुत्तफ़क़ अलैह बात है। क्या पूरी नमाज पढ़ डालें, पूरी सूरह अल-हम्द पढ़ डालें, मगर ये फिक्रा निकाल। पालने वाले हम इसलिए हाजिर हुए हैं, ए मालिक यौमिद्दीन हम इसलिए हाजिर हुए हैं, बस तेरी बंदगी और बस तुझी से मदद चाहते। क्या मदद चाहते हो? एहदना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे। कौन है सिरात मुस्तकीम? अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर तूने अपनी नेमतें नाज़िल, जो एक लम्हे के लिए कभी तेरे गजब की जद में नहीं आए। इसके माने ये कि हिदायत की रूह है नेमतों से हमाहंग हो जाना और गजब से दूर हो जाना। अगर आप इस पूरे मजमून का खुलासा निकालेंगे तो पूरी सूरह अल-हम्द, पूरी इबादत की रूह, अल्लाह के कुर्बत की रूह अगर कोई है तो फकत एक हस्ती है, जिस हस्ती का नाम फातिमतुज़्ज़हरा है। इसलिए कि अल्लाह ने इसी को कसौटी बनाया है, अपनी रजा की भी कसौटी बनाया है, अपने गजब की भी कसौटी बनाया है। जिसने इसकी मारिफत हासिल कर, आप जानते हैं फातिमा जहरा को अगर लुगत में उठा के देखें तो फातिमा के दो माने मिलते हैं। फातिमा उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसके फजाइल का एहसास करने में, आम आदमियों की बात नहीं, अंबिया आजिज हैं। एक माने फातिमा की आजिज करने वाली, इसकी फजीलतों का शुमार करना, एहसास करना, ये अंबिया को आजिज कर देता है। और दूसरे माने यह हैं कि इतनी बड़ी मुकर्रब बारगाह हदीयत है कि अल्लाह ने इसे फातिमा बनाया कि अगर किसी को अपना चाहने वाला समझ ले तो भाई इतना काफी है आतशे जहन्नुम को गुल हो जाने के। तो जाहिर है कि बहुत बड़ी एक ऐसा राज है कि जो राज और किसी को नहीं मिला अफराद अहले बैत में से। इसीलिए दुआ, आप जानते हैं, हमसे अगर दुआ मांगो और चाहते हो कि वो कबूल भी हो जाए तो वास्ता दे के दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा बेहक्त जहरा व अबीहा व बालहा व बनूहा व सिर मस्तौदाफिया, और वो सिर वो रास के जिस रास पर तूने मासूम आलम को मतमक्किन कर दिया, उस रास का वास्ता। यही तो वजह है जीजो के बड़ी बड़ी ताकतें एक तरफ। अब इतना कह के आगे बढ़ जाऊं रब्ते मसाइब से पहले, क्या अंदाजा करें कि अगर कोई इतनी बड़ी नेमत को न माने तो ये न मानना दलील है कि उसके खमीर में कुफर है। न मानने के माने उसके खमीर में कुफर है। इसलिए कि और इनकी फजीलत और मारिफत, इनकी फजीलत और मारिफत दोनों को समझने के बाद इनका इनकार कर जाए तो समझ कुरान की जबान में उसी को मगजूब कहा जाता है।
जिस पर अल्लाह का गजब हो, यानी न मानना कुफ्र है और फजीलत को जान के न मानना ये गजब इलाही की जद में आ जाना है, गुमराह हो जाना है। लेकिन आप ये देखें कि ठीक है नहीं माना, लेकिन उन पर इतने मजालिम किए कि जुल्म की कोई नौयत ऐसी न रह गई कि जो इस घराने के ऊपर तोड़ न दी गई। अगर सारे मसाइब को आप समेटें तो सिमटे हुए मसाइब की तारीख मासूम आलम के मसाइब की तारीख, और इसी को फैला दें तो उसी का नाम करबला पड़ जाता है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां इस्मत का मरकज है, जहां सदाकत का मरकज है, जहां तहारत का मरकज है, जहां शजाअत का मरकज है, वहीं मासूम आलम सब्र का भी मरकज है। सब्र के पैमाने पर एक मंजिल वो आ गई कि जिस पैमाने पर रसूल भी ठहर न सके, अली भी ठहर न सके, लेकिन अगर कोई ठहर सका तो वो यही साबिरा थी। आप अंदाजा करें कि तहारत की कुव्वत का आलम यह है कि हुर के पास इस दुनिया में वो सब कुछ था जो एक इंसान चाहता है, उसके मजमूए का नाम छोटी मोटी जन्नत हो, जागीर उसके पास है, ओहदा उसके पास है, मनसब उसके पास है, इज्जत उसके पास है, रसाले का कमादार वो है, यजीद का मुकर्रब वो है, उसका बहुत आलीशान घर है कूफे में और शाम में। इन तमाम दुनियावी नेमतों को जो खींच रही हैं उनको अपनी तरफ, और सब को ठोकर लगा के क्यों आ गया हुर इमाम हुसैन की तरफ, जहां एक कतरा पानी भी नहीं, जहां कोई राहत भी नहीं। फकत इसलिए कि इमाम हुसैन को देखा था, उनके पीछे नमाज पढ़ी थी, लेकिन इमाम हुसैन से मरूब नहीं हो पाया। अगर इमाम हुसैन की इस्मत मरूब कर लेती तो इसी नमाज, अभी भी नमाज खत्म हुई, अब ये हुआ कि अब चलो, वो तो आया था इसीलिए कि कूफे ले जाए, इब्ने ज़ियाद के पास ले जाए। चलते चलते दरमियान में रास्ता बट गया, एक रास्ता करबला की तरफ जा रहा था, एक रास्ता कूफे की तरफ जा रहा था, तो इमाम हुसैन ने अपने घोड़े की मेहार करबला की तरफ मोड़, जैसे ही मोड़ी वैसे ही हुर का हाथ लजा में फरस पर पड़ा। मेरे साथ आपको कूफे चलना है, आप ये क्या कर रहे हैं? बस ये गुस्ताखी जब इमाम हुसैन ने देखा तो ऐसे फिक्रे इमाम की जबान पर नहीं आते जब तक उसमें कोई गहरी हिदायत ना हो या गहरी हिकमत ना हो। इसलिए कि मजमे में किसी का मां का नाम ले लेना ये किसी शराफत और किसी तहजीब में नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन ने बरजस्ता कहा कि तेरी मां तेरी सफ़े मातम बिछाए, तेरे गम में बैठे, मां का मुकद्दस नाम खुर जैसा जरी तिल मिला गया। इमाम हुसैन से सुन के ये फितरा कहा कि अगर और किसी ने इस मजमे में मेरी मां का नाम ले लिया होता तो मैं उसका जवाब देता। जवाब देने के माने मैं उसकी मां का नाम ले ली, लेकिन आपकी मां, इसके माने ये कि जलालत की जो एक मोटी चट्टान थी उसको अगर किसी ने तोड़ा तो फकत इस तसव्वुर ने कि हुसैन की मां कौन है। एक बिजली गिरी और वो रूह में उतर गई, और जैसे जैसे
उसका उसके नूर का तासुर जिसमें फैला, होश हवास तक गया, वैसे खुर की वो कसी हुई मुट्ठी जो थी वो धीरे खुलने लगी और बिलाखिर वो मोड़ आ गया कि जब खुर ने हुसैन को अपना हाकिम, अब यजीद हाकिम नहीं है, हुसैन को अपना हाकिम अपना इमाम मान लिया और ये कहा कि बाप जिधर जिधर चाहे मैं उधर उधर जाऊं। आया था कूफे तक ले जाने, मगर अब खुद भी चलाया करबला, और जब करबला चलाया तो आप जानते हैं कि दो मुहर्रम को करबला वारिद और दो मुहर्रम के बाद 10 को यौम आशूर। इस 8 दिन में खुर ने इतनी उजलत से इज्तिहाद किया हक व बातिल के दरमियान कि नमी तारीख जब आई तो उसकी रात को कभी अपने बेटे को देखता है, कभी अपने भाई को देखता है, कभी अपने गुलाम को देखता है, और न जाने कौन सा इल्म है कि जो उसके सीने में उतर गया। इसलिए इल्म की पहचान कुरान मजीद में बस एक दी हुई है, अगर ये कैफियत किसी में पैदा हो जाए तो समझ लो कि वो आलिम है। टोपी से नहीं, अमामे से नहीं, अबा से नहीं, अबा से नहीं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी से नहीं, बहुत अच्छी तकरीर से नहीं। अगर ये जानना चाहते हो कि मेरी नजर में आलिम कौन है तो भाई ये देखो कि उसके जिस्म पर खुशू की कैफियत कितनी तारीफ। यही तारीफ बताया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा वो है मेरे बंदों में कि जिनके ऊपर खशियत इलाही तारी हो जाती। तो वही कैफियत थी उनकी, हाथ कांप रहा, जोड़ बंद कांप रहा, पैर थरथरा रहा, अजीब सी कैफियत। ये कैफियत किसी शुजा सादिक नहीं आती, उससे मुताबिकत नहीं रखती। यही वजह है कि जब बेटे ने पहली बार बाप का यह मंजर देखा तो कहा बाबा मैं तो आमादा था कि मुझसे कुछ पूछता, आज करबला में सबसे बहादुर कौन है, सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो मैं फौरन आपका नाम लेता और आपकी यह हालत है। इसका जवाब नहीं दिया। अब जो जवाब आप देखेंगे वो बड़ा आलिमाना जवाब है। इसके बाद जितने जवाब या जितने फिक्रे हुर के जवाब से निकले वो इल्म में डूबे हुए। इसका जवाब तो हो सकता था नहीं, नहीं मेरे हाथ के कांपने से शुजात का कोई वास्ता नहीं, कल देखना मेरी शुजात। लेकिन यह जवाब नहीं दिया। उसने कहा, सवाल का जवाब सवाल से दिया, कहा तुम कहां से आ रहे हो? कहा कि हम लोग दरिया से अपने घोड़ों को सैराब करके आ रहे, कल ये घोड़े दौड़ेंगे मैदान। अब बाप की बात सुनिए बेटे से, मगर तुम्हें शर्म तो नहीं आई, तुम्हें हया नहीं आई, तुम्हारे घोड़े इस लायक हो के पानी पिए और रसूल का नवासा उसे पानी ना मिले। बस अब वो कैफियत गोया मुंतकिल हो गई बेटे में। इसी तरह से गुफ्तगू गुलाम से की। अब भाई का मामला था तो भाई के कंधे पे हाथ रखा, पसे खैमा ले गया उस खैमे के पीछे जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, और वो भाई जो था वो खाली हाथ नहीं आया था, वो एक गिलास में पानी लेके आया था। ये समझ के कि हम मुसलसल देख रहे हैं लेकिन मेरा भाई पानी नहीं पी रहा है, सातवीं से पानी हुसैन पर बंद कर दिया गया तो इसने अपने ऊपर बंद कर लिया, लाओ इसे पानी पिला दें कुछ ताजा दम हो जाए। लेकिन जब पीछे ले गया उसने इनकार नहीं किया। जब भाई ने पानी बढ़ाया कहा कि कुछ आवाज तुम्हारे कानों में आ रही? कहा हां। कहा क्या आवाज? कहा जैसे बहुत प्यासे बच्चे अलतश 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 की आवाज। उससे भी ये कहा क्या हमारी गैरत गवारा करती कि हम पानी पी ले और हुसैन के बच्चे प्यासे रह जाए। उसके हाथ से खशियत वो भी कांपने लगा, गिलास गिरा पानी बह गया। अब उसके बाद 10वीं आई और बस आप जानते हैं
कि दसवीं को आशूर के रोज किस तरह से हुर आया और किस तरह से हुर को रुख्सत मिली, मैं ज्यादा उसके ऊपर वक्त नहीं लूंगा। बस इतना कह के बात को खत्म करूं कि जब हुर घोड़े से गिरे और अपने आका को आवाज दी तो एक बार दौड़ के पहुंचे हुसैन, पहला काम ये किया कि हुर का सर उठा के अपने जानू पर रख लिया और जानू पर रखने के बाद कहा, मेरी नुसरत में बड़े जख्म खा गया तू, बहुत जख्मी हो गया। कहा, मौला मुझे एहसास भी नहीं है अपने जख्मों का, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूटी रेंग रही है बदन पर, और मौला मैं अजीब मंजर देख रहा हूं, मैं नहीं समझ सकता ये क्या है। कहा, क्या मंजर? कहा, आसमान से एक नूर की हमारी जमीन की तरफ बढ़ती चली आ रही है। एक बार हुसैन ने कहा, खुर ये कोई हमारी, ये कोई और हमारी नहीं, ये मेरी माँ की हमारी है जो तेरे इस्तकबाल के लिए जन्नत से यहाँ चली आई है। और उसके बाद जब रूह बदन से खिंची तो हुसैन ने अपनी अबा से रूमाल निकाला, जख्म के ऊपर बांधा और कहते जाते थे, बहुत पहले मेरी माँ ने तेरे जख्म के लिए ये रूमाल अपने हाथों से बुना था, अब ये रूमाल है खातून जन्नत का। ए हुर तुझे जन्नत मुबारक। सियालम الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها بار الله محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے اس ہفتے فاتحہ میں ہمیں تھوڑی بہت معرفت معصوم عالم عطا فرما، ہماری محدت میں اضافہ فرما، بار الہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل کر، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں مشرف کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار۔ ماتم انجمن ناصر الرضا دولی پور کے ممبران سے گزارش ہے کہ نواب خانی ماتم کریں۔